गांव का बिजनेस शहरों में मचा रहा है धूम। वैसे इस ऑयल मिल को गांव का बिजनेस माना जाता है क्योंकि वहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और पास के मार्केट में बिक भी जाता है। यदि स्मॉल स्केल पर ऑयल मिल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको केवल मशीनों और पावर की जरूरत होती है। सस्ता कच्चा माल आपको गांव में किसानों से मिल जाएगा। आसपास की मार्केट में तैयार तेल बेचने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में अधिक पैसा नहीं खर्चना होगा। स्मॉल बिजनेस में आपको मैन पावर भी अधिक नहीं लगेगी। वैसे भी गांव में मैन पावर शहरों की अपेक्षा सस्ता मिल सकता है। गांव में ऑयल मिल लगाने के लिए 200 से 250 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत है। यदि ये जगह आपके पास है तो लागत और भी कम हो जाएगी। स्मॉल स्केल के अलावा मीडियम और लार्ज स्केल के ऑयल मिल के लिए इससे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ सकती है। मीडियम और लार्ज स्केल के ऑयल मिल के लिए कच्चा माल और तैयार माल को स्टोर करने के लिए अलग अलग जगह चाहिए। इसके अलावा ऑयल मिल में कई मशीनों को लगाने के लिए भी जगह की जरूरत होगी। एक्सपेलर फिल्टर की अपेक्षा बड़े प्लांट में लगने वाली ऑटोमेटिक मशीनों के लिए भी अधिक जगह की जरूरत होगी। शहरों और गांव के ऑयल मिल में क्या होता है अंतर? बदलते जमाने के साथ शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रत्येक चीज की डिमांड भी बढ़ रही है। इसमें खाने वाला सरसों, मूंगफली, सोयाबीन का तेल भी शामिल है। इसकी डिमांड को देखते हुए शहरों में भी ऑयल मिल का बिजनेस लाभकारी साबित हो रहा है। गांव और शहरों के ऑयल मिल में फर्क ये है कि गांव में जहां छोटा प्लांट लगाया जाता है वहीं शहरों में मीडियम और बड़ा प्लांट लगाया जाता है क्योंकि यहां का बिजनेस एरिया बड़ा होता है, डिमांड अधिक होती है, इससे अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन इसमें लागत भी अधिक लगानी पड़ती है। ऑयल मिल को लगाने से पहले ये सोचना होगा कि आप किस तरह के तेल का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे सरसों के तेल का बिजनेस, सोयाबीन के तेल का, मूंगफली के तेल का बिजनेस या जैतून के तेल का बिजनेस। आप एक तरह के तेल का बिजनेस करना चाहते हैं या सभी तरह के तेलों का बिजनेस करना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि ऑयल मिल के स्मॉल और मीडियम लेवल बिजनेस करने के लिए अलग अलग चीजों से तेल निकालने के लिए आपको अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना होता है, जबकि हाई लेवल के बिजनेस के लिए ऑटोमेटिक प्लांट खरीदने से आपको सभी प्रकार के तेल निकालने की सुविधा मिल जाती है। किस लेवल का बिजनेस करना चाहेंगे आप? उत्पादन के नजरिए से तीन तरह का ऑयल मिल उद्योग होता है। इसमें पहले तरह के उद्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें जो बिजनेसमैन 5 से 10 मीट्रिक टन तेल रोजाना उत्पादन करना चाहते हैं वो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा बिजनेस जो करना चाहते हैं उनके लिए मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री में बिजनेसमैन 10 से 50 मीट्रिक टन तेल का उत्पादन रोजाना करना चाहता है। इसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है, इसमें रोजाना 50 मीट्रिक टन से अधिक तेल का उत्पादन किया जा सकता है। आपको तीन श्रेणियों में से एक को चुनना है। इस तरह के बिजनेस की लागत और अन्य व्यय को देखते हुए आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। लाइसेंस पाने के लिए कराएं ये कार्य। अगले चरण में आप अपनी फर्म या मिल का नाम चयन करें। नाम चुनने के बाद उसका उद्योग विभाग से रजिस्टर कराएं। फर्म के नाम से FSSI से फूड लाइसेंस लें। इसके बाद अपनी मिल के नाम GST के लिए अप्लाई करके GST नंबर ले लें। साथ ही राज्य के उद्योग विभाग में अपनी फर्म का नाम दर्ज कराएं। यदि आप चाहते हैं तो आपकी मिल के नाम को दूसरा कोई इस्तेमाल ना करें तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ROC में अपनी फर्म का नाम रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा आपको स्थानीय नगरपालिका और नगर निगम में भी फूड लाइसेंस बनवाना होगा। सारी कानूनी कार्यवाही पूर्ण करने का लाभ ये होगा कि आपको बिजनेस करते समय किसी तरह की सरकारी टेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी मशीनों की होगी जरूरत? आपको मिल के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए ये भी आपको बताते हैं। साधारण तौर पर दो मशीनें आती हैं जिन्हें एक्सपेलर और फिल्टर कहा जाता है, लेकिन बड़े उद्योग के लिए इसके अलावा कई अन्य मशीनों की भी जरूरत होती है। आपको स्क्रू, एक्सपेलर, कुकर एंड फिल्टर प्रेस, प्लंगर पंप और फिल्टर क्लॉथ के साथ ऑयल को स्टोर करने वाले स्टोरेज टैंक, वजन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सील करने के लिए सीलिंग मशीन, बॉक्स स्टैंपिंग मशीनों को खरीदना होगा। यदि आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो आपको सभी तरह की सुविधा एक साथ मिल सकती है। आप सेमी ऑटोमेटिक का भी इस्तेमाल अपनी ऑयल मिल में कर सकते हैं। इन मशीनों को चलाने के लिए आपको 15 किलोवाट से 20 हॉर्स पावर की मोटर की जरूरत होती है। कई चरणों के प्रोसेस के बाद निकलता है शुद्ध तेल। किस तरह से करें तेल की सप्लाई? ऑयल मिल से तेल का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसकी सप्लाई की व्यवस्था करनी होगी। ऑयल मिल के पास नजदीकी थोक मार्केट या रिटेल शॉप को टारगेट करके अपना प्रोडक्शन बेचना शुरू करना होगा। होलसेल डीलर्स को ऑयल सप्लाई करने का लाभ ये होगा कि उन्हें आप भारी मात्रा में ऑयल बेच सकते हैं। इसके लिए आपको भागदौड़ नहीं करनी होगी। होलसेलर्स को सप्लाई करने के लिए आपको कंस्टर की पैकिंग सबसे अधिक सूट करेगी। रिटेल शॉप में तेल बेचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और उसके लिए आपको मार्केटिंग टीम भी रखनी होगी। ऑयल मिल में कितनी लागत की होती है जरूरत? अब आइए विचार करते हैं ऑयल मिल में लगने वाली लागत की। वैसे स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री में 2 से 3 लाख रुपए की लागत आती है। इसके अलावा मैन पावर अलग से रखना होगा। इसके बाद मीडियम स्केल वाले ऑयल मिल में खर्चे आपके ऊपर निर्भर करते हैं। इसके लिए थोड़ी जगह, मशीनें आदि पर अधिक खर्चा होता है। रॉ मटेरियल भी अधिक स्टोर करना होता है।
इस मीडियम स्केल के बिजनेस में से 7 से 10 लाख रुपए की लागत आएगी। यहाँ पर एक बात यह है कि स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ ज्यादा वर्कर्स की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑटोमेटिक प्लांट की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको कम से कम वर्कर्स की जरूरत होगी। ऑटोमेटिक प्लांट यदि आप 24 घंटे चलाते हैं तो आपको 3 शिफ्टों में काम करने वाले 2 ट्रेंड व्यक्तियों की जरूरत होती है। जब आप कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक काम करने वालों की आवश्यकता भी होती है। ऐसे में एक समस्या ये होती है कि कैसे काम करने वाले कर्मचारियों को ठीक से समय पर काम करवाएं, कैसे उनकी जिम्मेदारियां बांटें, कैसे उन पर अपनी नजर रखें। ऐसे में आपके लिए बेहद सरल उपाय है कि कैसे अपने स्टाफ को मैनेज करें। अभी डाउनलोड करें ओके स्टाफ और पाएं अपनी समस्या का समाधान। ओके स्टाफ ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ओके स्टाफ ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका लिंक भी आपकी सहूलियत के लिए लिया गया है। ओके स्टाफ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके क्रेडिट आपके लिए लाया है ओके स्टाफ, एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाफ की सैलरी अटेंडेंस बहुत ही आसानी से। ओके स्टाफ काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि। ये ऐप 1 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला और पूर्णतः भारत में निर्मित ऐप है। अधिक जानकारी के लिए देखें और डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।